Dear kids, now let us do the book exercise of chapter 11, The Shepherd Boy. Okay, story comprehension. These are the MCQ questions. Okay, multiple choice question. Tick the correct option. First, the story talks about dash. The story talks about, first option is an ant and a grasshopper. B, a shepherd and a wolf. C, boys and girls. तो ये story किसके बारे में थी जो हमने read की थी? It is about a shepherd and a wolf. Ant और grasshopper के बारे में नहीं थी, boys girls के बारे में भी नहीं थी. It is about a shepherd and a wolf. So you will put a tick mark in this circle given and you will write the same here. A shepherd and a wolf. Okay. Second, the shepherd dash while the sheep grazed. Okay. Shepherd क्या करता था जब sheep जो है grass eat करती थी, grazed करती थी, तो shepherd क्या करता था उस time पे? Dance करता था. Slept means सोता था. C is played his flute. वो अपनी जो है फ्लूट मीन्स बांसुरी, वो अपनी बांसुरी से जो बांसुरी प्ले करता था. नो वो क्या करता था? यस स्लेप्ट, वो स्लीप करता था ना. सो स्लेप्ट विल कम एंड यू विल पुट अ टिक मार्क इन फ्रंट ऑफ स्लेप्ट. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड बिट. द शेफर्ड क्राइड डैश एंड द विलेजर्स केम टू हेल्प हिम. द शेफर्ड क्राइड, शेफर्ड जो है वो क्या चिल्लाने लग गया था कि विलेजर्स केम टू हेल्प हिम, जिससे कि विलेजर्स आ गए थे उसकी हेल्प करने के लिए. क्या वो क्राई कर रहा था, क्या वो शाउट कर रहा था? वुल्फ, टाइगर और बियर. वो क्या बोल रहा था? वुल्फ वुल्फ, है ना, सेव मी सेव मी. सो वुल्फ इज़ द करेक्ट आंसर. सो एंड यू विल पुट अ टिक मार्क डियर किड्स एंड यू विल राइट द सेम वर्ड हियर. ओके, Now let us do the fill in the blanks. Okay, B, fill in the sentences. Here sentences are given. You have to complete the sentence. Okay, by giving a word or more than a word. Shepherd boy takes the dash to graze. Shepherd boy जो है वो किसको लेके जाता था grazing करवाने के लिए? Sheep. SHWP, sheep. Second, shepherd boy slept under the dash. जो shepherd boy था वो sleep करता था किसके नीचे? Under the tree, T-R-E-E, tree. The villagers got worried and rushed dash. Villagers जो हैं वो worried हो गए थे, चिंता करने लग गए थे कि वो जब वो shout करता है help के लिए, and rushed to help him. और वो जो हैं जल्दी से उसकी तरफ जाते हैं दौड़ के उसको हेल्प करने के लिए, टू हेल्प हिम. फोर्थ, वन डे अ डैश अटैक्ड द डैश. वन डे अ वुल्फ, ओके, एक भेड़िया ने अटैक किसको किया? शीप को. ओके, फिफ्थ इज द स्केयर्ड शेफर्ड हरीडली क्लाइम्ड अ डैश. जो स्केयर्ड मीन्स डरा हुआ जो शेफर्ड था, बॉय था, वो जल्दी से चढ़ गया, क्लाइम्ब मीन्स चढ़ गया, किसके ऊपर चढ़ गया था? क्लाइम्ब अ ट्री, क्लाइम्ब अ ट्री, ट्री पे चढ़ गया था, टी आर डबल ई ट्री. सिक्स्थ इज द वुल्फ फिस्टेड ऑन द डैश. वुल्फ ने जो है पार्टी किस पे की थी, क्या करके किया था? उन्होंने क्या किया था, जो फ्लॉक ऑफ शीप थी उनको सबको ईट कर लिया था. ऑन द फ्लॉक, एफ एल ओ सी के फ्लॉक, ओ एफ ऑफ एस एच डब्ल्यू पी शीप. दिस इज ऑन पेज नंबर 90 डियर किड्स. नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 91. नेक्स्ट पेज सी क्वेश्चन इज देयर. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. You have to write T for true and F for false. First one is
द शेफर्ड बॉय वॉज नॉटी, जो शेफर्ड बॉय था वो बहुत नॉटी था ना, येस ट्रू, इसलिए उसने क्या किया, सभी को फूल्ड किया. ओके, द शेफर्ड सेकेंड टुक द शीप टू अ हिल, जो शेफर्ड बॉय था वो शीप को कहाँ लेके जाता था, हिल पे, येस दिस इज ट्रू, सो यू विल राइट ओनली टी, टी फॉर ट्रू. थर्ड, अ टाइगर अटैक द शीप, एक टाइगर ने अटैक किया था शीप के जो फ्लॉक था, नो वुल्फ ने अटैक किया था ना शीप के फ्लॉक पे, सो दिस इज फॉल्स एंड यू विल राइट एफ फॉर द फॉल्स. फोर्थ वन, द शेफर्ड बॉय क्लाइम्ड अ ट्री, जो शेफर्ड बॉय था वो ट्री पे जो है वो क्लाइम किया था उसने, वो चढ़ गया था, यस, वो जब स्केयर्ड था ना बहुत अपने आप को सेव करने के लिए वो ट्री पे चढ़ गया था, सो दिस इज ट्रू. फिफ्थ, द विलेजर्स वर एंग्री विद द बॉय, जो विलेजर्स थे, विलेजर्स कौन होते हैं, जो विलेज में रहते हैं ना, तो जो गांव वाले थे विलेजर्स थे वो बहुत गुस्सा हो गए थे बॉय, शेफर्ड बॉय के साथ में, यस, सो दिस इज ट्रू, यू विल राइट टी फॉर ट्रू माय डियर किड्स. So you have to do up to here in your reader book.